भगवान को मानते हो? मानते हो कि नहीं? भगवान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बॉस, मुंबई आने के बाद सॉलिड आराम किया, सॉलिड वर्कआउट किया और सॉलिड GTA 5 गेम खेला। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मुंबई की बारिश जो है ऑलमोस्ट खत्म है और हम सबको पता है जैसी बारिश कम होती है, बंद होती है, वैसी गर्मी बढ़ जाती है। अभी बस ठंडी का इंतजार है। बिकॉज हम मुंबई के लिए ना सिर्फ एक ही वेदर अच्छा होता है ठंडी का, टेक्निकली वो ठंडी नहीं होती है, वो 19-20-21-22 डिग्री होती है, लेकिन मुंबई का हम ठंडी बुलाते हैं उसको, बिकॉज हम लोग को ठंडा लगता है। मुझे पता नहीं इस कनाडा के ट्रिप पे मैंने क्या खाया, लेकिन जितना इस ट्रिप पे मेरे दाढ़ी नाखून और बाल बढ़े हैं उतना तो लाइफ में कभी नहीं बढ़े इतना तेज। ट्रिम की सख्त जरूरत है, थोड़ा बाद में करेंगे, फिलहाल थोड़ा वन ऑन वन बातें। तो पिछले कुछ दिनों से, एक्चुअली महीनों से, आपने नोटिस किया होगा व्लॉग में सब कुछ एकदम मक्खन चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, आराम से राइड हो जाती है, फ्लाइट हो जाती है, 5-स्टार होटल में स्टे हो जाता है, कुछ तकलीफ नहीं, कुछ चोरी भी होता है तो भी इतना दुख नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दैट फ्यू क्वेश्चन हैज बीन रेज बाय माई व्यूअर्स इन ट्वीट्स, इन DMs, इन कमेंट्स कि भाई ये लड़का ना कुछ टकल बताता नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा बताता है, इसका व्लॉग देख के तो लगता है लाइफ एकदम मस्त है, जबकि है नहीं, गलत है ये। अब इसका जवाब मैं क्या दूं? इसका जवाब थोड़ा विस्तार में खुल के देना चाहूंगा। जो लोगों को ऐसा लगता है कि इस बंदे के लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, तो भाई थोड़ा बस 1-1.5-2 साल पुराना व्लॉग जाके देख लो, ड्रॉ माई लाइफ देख लो, सब पानी कम चाय मालूम पड़ जाएगा। फिलहाल की बात करूँ तो, फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो बॉस, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अनइमेजिनेबल चल रही है। कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में ऐसी जिंदगी जीऊंगा, और आपकी दुआ और सपोर्ट रहा तो आगे जाके और भी बहुत सारी गुड न्यूज देने वाला हूँ मैं आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, लाइफ में कुत्ते जैसा स्ट्रगल है बॉस। देखो बॉस, एक चीज समझ लो कि लाइफ कभी भी आसान नहीं होती, लाइफ इज वेरी टफ, और सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम से गुजरते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट माय प्रॉब्लम, मैंने जब भी अपनी प्रॉब्लम को फेस किया है उस वक्त मैंने कैमरे के सामने कभी भी नहीं बोला है, मैंने हमेशा उस प्रॉब्लम को फिक्स किया है, उसको जाने दिया है, तभी बात किया है। मैंने जब टाइगर ली थी तब मैंने नहीं बताया था कि मैंने कितनी मुश्किल से टाइगर ली है। जब मेरे डैड की डेथ हुई थी उस वक्त मैंने किसी से बात नहीं की, जब मैं ब्लॉग भी नहीं करता था, बट मैंने उस वक्त किसी से बात नहीं की। मैंने कतर वेस्ट छोड़ने के बाद कितना रिग्रेट किया, 1-2 साल मैंने कभी भी बात नहीं किया, बाद में बात किया हूं। I always struggled through my problem and then I spoke about it because the one thing I hate the most in my life is sympathy. Sympathy मेरे लिए एक poison है, मुझे छुपती है वो चीज़। तो मैं कभी भी अपना जब problem face कर रहा हूं मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, किसको भी, देखो बस मैं इस चीज से गुजर रहा हूं, मुझे help करो, मुझे sympathy दो, मुझे support दो। नहीं चाहिए मुझे किसी का support, मुझे किसी की sympathy। जब मैं problem से गुजर रहा हूं, उस problem से गुजरूंगा, ठीक करूंगा, overcome करूंगा, then I'll make a vlog or tell my friends or tell my family, देखो बस ये चीजें गुजर रहा था, अभी मैं ठीक हूं। अगर आपको कुछ होगा तो समझ लो ना ये चीज करनी है, दुनिया को ढिंढोरा नहीं पीटना है, सिंपल अनइजी। सॉरी थोड़ा भावनाओं में बह गया था, बट आई गेस यू गाइस गॉट द पॉइंट। मुझे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे काम के लिए। अगर मैं अच्छा काम करता हूँ, नहीं करता, तो ऑब्वियसली कोई सपोर्ट नहीं करेगा। प्यार चाहिए जो कि आप बहुत देते हो, और अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि निखिल अगर ऐसा कर रहा है तो भाई कोई तो रीजन होगा कि वो कर रहा है, बिकॉज हम इसको इतने साल से देख रहे हैं, इट्स लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर। YouTube, Instagram, TikTok, Facebook और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया एंटरटेनमेंट का, और एंटरटेनमेंट आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले भी थी लेकिन आज और ज़्यादा ज़रूरत, भूख बढ़ गई उस चीज़ की, बिकॉज आज की तारीख में कंपटीशन ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है, तो हमको चाहिए भाई कि हम वीडियो खोल के कुछ देख के, बी यूनिक का वीडियो देख के हंसे, मोशी सेन का वीडियो देख के हंसे, आशीष चंचलानी जब वो टपली मारता किसी को, वो हम खुशी मिलती है वो चीज़ देख के, और हम अपने दुख भूल जाते हैं। उसी तरह जब मैं अपने व्लॉग्स बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक वर्चुअल दुनिया में लेके चलूँ लोगों को, जहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, और जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो आने वाले दिनों में बता दूँ। फिलहाल तो इतनी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी कर रहा हूँ वो आने वाले दिनों में बताओ, ताकि उससे अपना कनेक्ट बना रहे। अगर हर टाइम मैं करूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे साला हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कम है जो इसके प्रॉब्लम सुन रहे हैं। रिलेटेबिलिटी होती है, लेकिन उस रिलेटेबिलिटी के लिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। समझे कि नहीं बिडू? अभी 5 मिनट पहले धूप निकल रही थी तो तेज बारिश चालू हो गई। आज कुछ करने का सोच रहे हैं, वो भी नहीं रहे। मैं भी कुछ प्लान कर रहा था लेकिन आई डोंट थिंक ये हो पाएगा थैंक्स टू द रेन। एक काम करता हूँ, रेडी होके आता हूँ, क्या पता नहाने के बाद बारिश कुछ आवाज आई। अरे बाप रे, ये यहाँ से कहाँ गिरा? तो ये वहां से उड़ के यहाँ पर गिर गया हवे से, मजाक लगा के रखा है। इतनी तेज हवा कहाँ से आई? एनीवेज मैं जरा नहा के आता हूँ, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी भी ट्रिम करता हूँ। टटड़ा, आज जो मेरी आप दाढ़ी देख रहे हो बेसिकली वसीम ने ट्रिम की है। इसके पहले भी एक बार ट्रिम की थी लेकिन उस टाइम बाल छोटे थे, तो वसीम बोला था एक बार बाल बड़ा फिर मैं ट्रिम करूंगा, थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन आई थिंक वसीम डिड अ फैबुलस जॉब। कहाँ से सीखा वसीम? पार्ट टाइम। बस यहाँ पर एक ब्लेड मारने की देरी है, सीधा वो दुबई का शेक लगूंगा मैं।
कतार का शिकार एक्चुअली रखते हैं ना, जुड़ूम जुड़ूम क्या बोलते हैं उसको। और आज मैंने पहना है हकुना मटाटा लाइन किंग एडिशन, और जो जीन्स मैंने पहनी है ये स्किन फिट जीन्स है, आप देख सकते हो यहाँ पर इलास्टिक है और यहाँ पर भी इलास्टिक है। दिस इज समथिंग न्यू, मैंने पहले कभी जीन्स पहनी नहीं है। दिस इज फ्रॉम जैक एंड जोन्स। स्किन फिट होने के बावजूद ये काफी स्ट्रेचेबल है यार, फ्लाइंग किक मार सकते थे। इसको पहनना चाहिए था यार कनाडा में, इस पे भी पाउडर गिर गया था इसके लिए नहीं पहन पाया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा टैब गुम गया था, चोरी हो गया था कनाडा में, लेकिन उसके अंदर मेरा सिम कार्ड था, उसके अंदर था मेरा एयरटेल का दूसरा सिम कार्ड जो कि मैंने बंद नहीं कराया था क्योंकि मुझे इंडिया आके कॉल करके फिजिकली जाके बंद कराना था और दूसरा नया सिम कार्ड भी लेना था। अभी फोन किया तो उन्होंने बोला कि अगर आपको नया सिम कार्ड चाहिए ऑब्वियसली तो मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। तो फॉर्चुनेटली पवई में गैलरी है तो वहां पर जाके कैंसिल भी करता हूं और अगर नया सिम कार्ड मिलता है ऑन द स्पॉट तो ले भी लेता हूं। और बारिश भी जो है बंद हो गई है, चलो सिम चलते। कितनी देर में एक्टिवेट होगा? ओके थैंक यू। तो 5 से 6 घंटे में हमारा कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। अबे ह्यूमिडिटी कितनी है बे, बाहर कैमरा कितना बार फॉग अप हो रहा है। है। तो एक बात बता दो आप लोगों को, पहले पहोई में इतने सब्सक्राइबर नहीं हुआ करते थे, मतलब जब मैं घूमता था। हाँ हो गया तो आजकल थोड़ी संख्या बढ़ गई है, काफ़ी लोग मिलते हैं और कैमरा देख के पहचान लेते हैं। पहले भी होता था लेकिन अभी थोड़ा नंबर्स बढ़ गए हैं, पता नहीं कैसे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पवई से और सब्सक्राइबर बढ़नी चाहिए, वो फील आनी चाहिए कि नहीं, होम ग्राउंड का फील आना चाहिए नहीं भाई, आना चाहिए। अभी टैब तो है नहीं, आईपैड लिया नहीं, तो ये सिम कार्ड का करेंगे, ये सिम कार्ड मम्मी जब्त कर लेगी। और बड़ा शौक है सिम कार्ड कलेक्ट करने का ना मम्मी, बिना बात पे सिम कार्ड कलेक्ट करती हो, फोन कलेक्ट करती हो, किस खुशी में? तेरे काम में आते हैं सब। क्या काम में आते हैं? बहुत काम में आते हैं। कुछ काम में नहीं आते, ऐसी जो शौक बोले वो फोन पड़े होते हैं। ये देखो ये फोन ऐसे ही पड़े रहते हैं इधर, ये देखो ये काम के है मेरे। कुछ काम के नहीं, ऐसी रखती है मम्मी, पता नहीं जमा करती है, बेचने भी नहीं देती। माय मॉम जस्ट गिव मी दिस पार्सल, ऑलरेडी खोल दिया मैंने। क्या है? ओयो की तरफ से। इस पे पूरा एड्रेस लिखा होता है इसलिए नहीं बता सकता। अच्छा लगता है सब जब पार्सल आते हैं तो, और भी अच्छा लगता है आप लोगों को दिखाने के लिए। ओह दिस इज नाइस। इसके अंदर क्या मुझे नहीं पता लेकिन ये डब्बा मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम प्रिटी श्योर मेरी मम्मी रख लेगी जैसी मेरी मम्मी देखेगी। ओह काइट फेस्टिवल लग गया, पता नहीं काइट है। एम्बर फोर्ट ऑफ इंडिया फ्रिज मैगनेट, और ये इसकी सबको बहुत ज़रूरत होती है। Although I'm not really a big fan of passport holder, but technically अगर देखा जाए तो passport holder is kind of illegal। अगर आप कुछ country में जाते हो और passport holder है तो पहली चीज़ वो करते हैं कि passport holder निकाल के आपका passport holder फेंक देते हैं क्योंकि वो allowed नहीं रहता है। और ये मैंने as a crew experience किया है इसलिए बता रहा हूँ मैं, अभी का मुझे सीन पता नहीं। ये क्या है भाई, ग्रेजुएट तो बन नहीं पाया, इसके आधी फोटो खिंचाऊंगा। ट्रैवल चेकलिस्ट, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं बिकॉज हमें सब याद रहता है, फिर भी तो रखेंगे हमारे सम पोस्ट कार्ड काइंड ऑफ थिंग। ओयो चॉकलेट, ये वो ये तो एकदम पुराने जमाने की डायरी है, ये ट्रैवल डायरी लाइक द पेंसिल। बचपन में जब मैं लिखता था तो मुझे बहुत पसंद थी ये। कुछ बड़ा लग रहा है, क्या हो सकता है ये? शर्ट टी शर्ट है? नहीं टी शर्ट नहीं है। ओहो सबसे बड़ी चीज पुट्ठा। मैं खुश हो गया, इसको रैप करने की क्या जरूरत थी? कुछ है तो नहीं, कुछ नोट वोट निकलेगा क्या? नहीं नोट नहीं। बोलते थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस। इसमें सबसे अच्छी चीज है ये डब्बा, ये है मीवी का डियो पॉड्स M1। दो दिन पहले मेरे हाथ में आया, वो तो पहले ही आ गया था बट मैं कनाडा में था। ये मैं 2 दिन से यूज कर रहा हूँ एंड आई रियली लव्ड इट। आई थिंक मीवी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस ट्रू ब्लूटूथ हेडफोन्स बोलते हैं शायद इसको। और सबसे वैसे तो क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, सब कुछ अच्छा है और सारे अच्छे रहते हैं जो भी मार्केट में आते हैं, बट इसका मुझे अच्छा लगा वो ये कि गिरता नहीं है इतनी आसानी से और इसमें टच सेंसिटिव है। आईफोन का नहीं, अभी ये कनेक्टेड है ना तो इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। आईफोन का सीरी भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। अभी तो 2 दिन ही हुए, आने वाले दिनों में इसको अच्छे से यूज़ करता हूँ फिर इसके बारे में बताता हूँ। फिलहाल तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर इफ यू वांट दिस देन देयर विल बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और अपना कोड भी है उसको भी इस्तेमाल कर लो। आई लाइक दिस साउंड यू नो कोई भी चीज़ का। तो लास्ट व्लॉग में जब मैंने ये माइक बताया था और अपना पॉडकास्ट का आइडिया शेयर किया था, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उसको पसंद किया। अब मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि आप कौन से टॉपिक पे पॉडकास्ट सुनना चाहते हो। थोड़ा टेस्ट करते हैं ये माइक, देखते हैं माइक की क्वालिटी कैसी है। भगवान को मानते हो? मानते हो कि नहीं? भगवान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बारिश को भी अभी गिरना था, पूरे इसमें कैच होएगा।
सीक्रेट गेम 2 में मेरा फेवरेट जो कैरेक्टर था वो गुरुजी का कैरेक्टर था पंकज त्रिपाठी, जो डायलॉग बोले हैं और जो डायलॉग लिखे गए हैं एक नंबर थे। थोड़ा हमारे स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं भाई, देखो हम वैसे एक्टर नहीं है और डबिंग एक्टर भी नहीं है, तो हम अपने हिसाब से बोलेंगे, काइंडली डोंट जज। ये वाला मेरा फेवरेट है। मृत्यु पर विजय पाने के लिए कई बार मरना पड़ता है, यूट्यूब की दुनिया में सक्सेस पाने के लिए कई बार इट इज पॉसिबल टू कॉन्कर टाइम बिकॉज टाइम इज रेडियो एक्टिव। डोंट जज मी ओवर दिस वन, ओके। हमारे बोझ से धरती फट रही है, कैंसर हैज मेटाबॉलिस्ट, टिकटॉक वालों को इंस्टाग्राम में यूट्यूबर से ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, कैंसर हैज मेटाबॉलिस्ट। और ये वाला आप में से कुछ खास लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। सेक्स इज नथिंग बट एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मेक इट लाइक एन एक्सरसाइज एंड इट विल मेक यू सात्विक। कॉमेंट सेक्शन इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, मेक इट पॉजिटिव एंड इट विल मेक यू सात्विक। बम बम भोले आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बोले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाओ, डायलॉग डिलीवरी ठीक ठाक लगी तो भी लाइक दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये कैसा लगा मुझको बताओ कमेंट सेक्शन में, ताकि आगे कुछ करना रहेगा तो मैं करूंगा। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज शुक्रिया विद द मसल बट टेक केयर एंड डू व्हाट वी वांट माय लवली फ्रेंड्स। एक शॉट में था ना इसके लिए बोल दिया मैंने। चलो मिलते हैं, बाय सबके। फोन में बैंक के सब नंबर रहते हैं, एक फोन में मेरे बच्चों के नंबर रहते हैं, एक फोन में मेरे रिश्तेदार के नंबर रहते हैं। ओह वाह मोदी जी वाह।